लो जी ओरियो हमारे पास आया था 5 दिन के लिए, और आज भाई साहब आए हुए हैं ओरियो को लेने के लिए। पूरी फैमिली है भाई साहब की, तो मैं पूछूंगा भाई साहब से। अजय जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ का, और जैसा भी लगा वो एक बार बताओ ताकि नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे आपने बीच बीच में वीडियो भी भेजी इसकी, खाना खिलाने की भी, खेलने की भी। हाँ जी हाँ जी, तो उससे मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया कि भाई हमारा हो रही हो आपके पास सेफ, सुरक्षित, अच्छी तरह ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। तो बस मैं यही है कि देखो, ये जो भी डॉग ओनर है, जो भी पेट लवर है, आप सबको पता है कि इनको आप अपने बच्चे की तरह रखते हैं, तो इनके लिए भी एक ऐसी सेफ जगह होनी चाहिए, जो ये अगर मान लो कोई फैमिली फंक्शन में है या कहीं और बाहर जा रहे हैं तो निश्चिंत होकर जा सके। तो मैं इसलिए ही हमने ये सेवा हमने खोली है, और उस पर हम अपना प्रयास हमारा यही रहता है कि भाई जो भी हमारे पास बच्चा आए उसके पेरेंट्स पूरी तरह से संतुष्ट रहें, और बीच बीच में अपडेट भी देते रहते हैं भाई, जब खाना खिलाते हैं या इनको खिलाते हैं। तो एक बार दक्ष से भी पूछूंगा मैं, दक्ष ने पहले भी आया था, इनको डाउट था थोड़ा थोड़ा कि पता नहीं भाई, मेरे को डर लग रहा था, काफी डाउट लग रहा था कि ये रहेगा या नहीं, पर अब जैसे अंकल जी ने वीडियो भेजी इसकी और देखा कि आराम से खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, खिला रहे हैं, बहुत अब पूरा सेटिस्फाई हो गया था मन। पहले मेरे को डर था, पर अब आप खुद भी देख सकते हो तो काफी अब मेरे को ठीक लग रहा है, काफी अच्छा लगा आपकी सर्विसेज, और अब किसी और को भी मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल जरूर। थैंक यू। तो अगर आपको भी हॉस्टल की सर्विस लेनी है तो आप पेट यूनिवर्सिटी पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, और अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।